फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ लहसुन छीलने का एक ऐसा तरीका जो आपने कभी नहीं देखा होगा। मेरे ख्याल से तो आपने नहीं देखा होगा, बाकी आप बताइएगा कमेंट करके कि आपने देखा है कि नहीं। और ये इतना आसान तरीका है कि आप चुटकियों में जितनी चाहें उतनी लहसुन को छील सकते हैं। लहसुन वगैरह तो हमें डेली ही यूज करना रहता है, क्योंकि इसके बिना तो सब्जी अच्छा बनता नहीं है, तो हमें तो झंझट लगता है छीलना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक भारी चीज़ लेंगे, या तो बेलन लीजिए या तो कोई भी भारी चीज़ लीजिए। तो सबसे पहले हमको लहसुन को छीलने के लिए तोड़ना पड़ेगा, तो हम ज़्यादा जोर से इस पर वार नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हम हल्का सा इस पर वार करेंगे, एक दो बार मारेंगे तो ये अंदर से इसकी कलियाँ खुल जाएंगी, तो ये इजीली निकल जाएगा। तो एक एक करके हाथों से आपको नहीं निकालना पड़ेगा और ना तो चाकू से, तो इस तरीके से टाइम भी बच जाएगा। मुझे जब भी काम लगता है तो मैं ऐसे ही एक हफ्ते के लिए स्टोर करके रख लेती हूँ, लेकिन आपको लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखना है, ज़्यादा छुड़ाना है, तो मैं आपको बताऊँगी तरीका कि आप ज़्यादा दिन के लिए कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। तो चलिए फिर इनकी कलियों को हम अलग कर लेते हैं। तो इन पे जब हम हल्के से किसी चीज़ से मारेंगे तो ये बहुत ही इजीली एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, तो हमें इसे एक एक करके नहीं निकालना पड़ेगा, इससे टाइम भी बच जाता है। तो आप जितनी भी क्वांटिटी में चाहें इसे करके निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ मैं, ये जो निकल रहा है ना, बीच का पार्ट्स होता है जो लंबा सा गांठ जैसा, उसको आप फेंके नहीं, बहुत ही काम की चीज़ है। उसे आप दाल में, चावल में, किसी भी चीज़ में डाल देंगे तो कीड़े नहीं लगेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे से हाथों से दो तीन बार रफ कर देंगे, यानी कि रगड़ देंगे, तो इसके छिलके अलग हो जाएंगे। तो इनके छिलके अलग हो चुके हैं। अब हम एक थाली लेंगे और थाली में सारे लहसुन की कलियों को डाल लेंगे। अब मैं एक पेपर बिछा लूँगी, जिससे क्या होगा कि इसके छिलके इधर उधर नहीं उड़ेंगे, तो गंदा नहीं होगा। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप कपड़े भी बिछा सकते हैं, कोई पुराना सा। तो देख सकते हैं आप, जैसे जैसे आप इसको उछालेंगे वैसे वैसे इनके जो छिलके हैं वो अलग हो जाएंगे और पेपर पे चले जाएंगे। तो ये इस तरीके से क्लीन हो जाएगा बिल्कुल। देख सकते हैं आप, मैं ऐसे थाली को घुमा घुमा के और फटक रही हूँ। पता नहीं आप लोगों के यहाँ फटकने को क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे इधर तो फटकना ही बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको अच्छे से फटक लेंगे ताकि इसके छिलके निकल जाए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इनकी जितनी भी एक्स्ट्रा छिलके थे वो निकल चुके हैं, ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, पेपर को हटा लेंगे। तो अब इसका हम मेन छिलका छुड़ाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक बर्तन में पानी रखा है, गैस पे चढ़ा दिया हमने, तो इसे मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लेना है, ज़्यादा इसको हाई पे नहीं करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैं लहसुन की कलियाँ इसमें डाल दूंगी जितने भी हैं। तो अगर आपको ज़्यादा लहसुन की कलियों को छुड़ाना है तो आप बड़ा बर्तन लें और पानी भी ज़्यादा ले लें, बस इतना ही करना है। तो जैसे ही इसमें आप लहसुन की कलियाँ डालेंगे तो ज़्यादा देर के लिए इसे गैस पे नहीं छोड़ना है, सिर्फ आधे मिनट के लिए। तो जैसे ही इसमें हल्का सा बॉयल आने लगे, देख सकते हैं आप, वैसे ही गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है आपको। सिर्फ इसमें एक चीज़ डालना है, उसके बाद करना है आपको गैस का फ्लेम ऑफ, तो वो है ईनो। जी हाँ, ईनो, ईनो फुलाने का काम करता है। तो मैंने कम क्वांटिटी में लिया है लहसुन की कलियाँ, तो मैं दो चुटकी ही डालूंगी ईनो। आप अगर ज़्यादा लिए हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दें। और आपको यकीन नहीं होगा कि इसको आप अगर डाल के छुड़ाएंगे तो इतना इजीली छोड़ता है छिलका, कि आपको यकीन ही नहीं होगा। तो इसको मिक्स कर देना है। अगर आपके पास ईनो नहीं है तो आप खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन ईनो बहुत ही ज़्यादा कारगर है इसके लिए। तो बस आपको पानी गर्म करना है, लहसुन की कलियों को डालना है, थोड़ा सा ईनो डालना है और आधे मिनट होने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो आधा मिनट हो चुका है, हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसे हमें बॉयल नहीं करना है और इसे कवर करके हम, गैस का फ्लेम ऑफ ही है तो इसी पे रहने देंगे, बाकी का दूसरा काम करते रहेंगे तब तक ये आराम से ईनो इसको छिलके को फुलाएगा। तो बस आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसमें छोड़ दें और आप दूसरा काम करते रहें, तब तक ये अपना काम कर लेगा, ईनो अच्छे से काम करेगा और बहुत ही इजीली छूट जाएगा इसका छिलका। तो देख सकते हैं आप कि मैंने इसका कवर हटा दिया है, ये ठंडा हो चुका है, तो ये बहुत ही इजीली निकल जाएगा इसका छिलका। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, सिर्फ एक हाथों से ही मैं इसको अच्छे से रगड़ रही हूँ और इसका छिलका देखिए आराम से निकल रहा है। छिलके देख सकते हैं आप कितने अच्छे से निकल रहे हैं। तो ईनो से निकालने का इतना आसान तरीका है, जब भी घर में कोई शादी हो, पार्टी हो, तो लहसुन की कलियाँ ज़्यादा चाहिए होता है और टाइम नहीं रहता, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं, डेली यूज के लिए भी कर सकते हैं। तो 95% तक काम कर दिया है इन्होंने, लेकिन हल्का फुल्का जो बच गया है उसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे ताकि छिलका रह ना जाए।
तो देख सकते हैं आप बहुत ही इजीली निकल रहा है छिलका। इसमें जो हल्का फुल्का बच गया है उसे क्लीन करके दूसरे बर्तन में रख लें। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि लहसुन की कलियां बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गई है और छिलके भी अलग हो रखे हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है लहसुन की कलियों को छीलने का, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस चुटकी भर आप डालें इनो और छुड़ा लें लहसुन की कलियों को जितना चाहें। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसे थोड़ा ही बनाया है क्योंकि मैं इसे ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखूँगी। अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके रखना है तो मैं आपको एक टिप्स बता देती हूँ जिससे ये ख़राब नहीं होगा। तो आप क्या करें कि इसे बाहर ही 2-3 दिन के लिए छोड़ दें ताकि इसके अंदर जितने भी पानी वगैरह हो वो अच्छे से सूख जाए। आप इसे धूप में ना डालें नहीं तो इसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। तो आप फैन के पास ही रख दें या फिर नॉर्मल ऐसे ही कहीं फैला के छोड़ दें। उसके बाद इसे आप डब्बे में रख के फ्रिज में डाल दें या फिर बाहर भी, तो ये ज़्यादा दिन टिक जाएगा। और अगर आप मेरी तरह थोड़ा सा लहसुन की कलियों को छील के रखना चाहते हैं तो आप क्या करें कि इसे 2-3 घंटे बाद ही सूखने के बाद रखें फ्रिज में। तो प्लेट सहित भी आप रख सकते हैं, डब्बे में भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स लहसुन के छिलके निकालने का ये आसान सा तरीका आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।